हाय दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग फाइनली आ चुके हैं पंजाबी बाग और हम लोग खड़े हैं ठीक फिजिक्स वाला के मेन ऑफिस के नीचे, जहाँ पे भारी मात्रा में स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं ताकि अपने फेवरेट टीचर अलक पांडे सर से रिक्वेस्ट कर सके कि वो अपना इंस्टीट्यूट फिजिक्स वालों को बंद ना करें। और ये लोग ये भी बताने आए कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग उनको हमेशा सपोर्ट करेंगे। हम अलग सर से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये यूथ एकेडमी वाले चाहे कुछ भी करें, पर हम फिजिक्स वाला का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सर, फिजिक्स वाला के बिना हम एग्जाम्स कैसे क्रैक करेंगे सर? प्लीज डोंट गो सर। और हमारे भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अलग सर से बात कीजिए और उन्हें समझाइए कि वी नीड हिम, वी नीड फिजिक्स वाला। ए यूथ एकेडमी वालों, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? क्यों अलग सर को परेशान कर रहे हो? भूल गए क्या तुम्हारा क्या हाल किया था हमने? सर, जब तक सूरज चांद रहेगा फिजिक्स वाला का नाम रहेगा। सर आप है तो हम है सर, आप नहीं तो कुछ नहीं। आजकल इंटरनेट पे एक नाम के बहुत चर्चे हो रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। आप कहीं भी चले जाइए, आपको ट्रेंडिंग लिस्ट में ये एक नाम जरूर दिख जाए। और अगर आप एजुकेशन की फील्ड से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं तो आपने ये एक नाम पहले भी सुना होगा, फिजिक्स वाला। इसके बारे में आज तरह तरह की बातें हो रही। कोई कह रहा है कि फिजिक्स वाला की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, तो कोई इसके सपोर्ट में आंसू बहा रहा है। सर, तान्या मैम और नमन सर क्या सबके सब फैकल्टीज भी चली जाएगी ना, तो भी सिर्फ हम लोग आपके लिए फिजिक्स वाले के साथ जुड़े रहेंगे सर। तो देखा बच्चों आपने, मैंने आपसे क्या कहा था, जो जितना तेजी से ऊपर जाता है वो उतना ही तेजी से नीचे आता है। अरे भाई, फिजिक्स का लॉ है और आपके अलग सर के साथ भी यही हुआ है। यूथ एकेडमी एक दानव की तरह है, फिजिक्स वाले को भी नहीं छोड़ा, ये काफी सैड है। कम से कम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तो कोई गरिमा होनी चाहिए। पर इसके साथ होगा क्या, उससे ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि आखिर फिजिक्स वाला है कौन? एक आदमी है, ऑर्गेनाइजेशन है, या बस एक आइडिया? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं द स्टोरी ऑफ फिजिक्स वाला। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम सुन भी रहे हो हम क्या कह रहे हैं? हाँ। अच्छा बताओ, लास्ट लाइन क्या बोली हमने? तुम सुन भी रहे हो हम क्या कह रहे हैं? उससे पहले यार दीदी, सब रट के नहीं बैठे हैं ना। तुम ना ज्यादा स्मार्ट मत बनो, समझे? स्मार्ट कहाँ बन रहे दीदी, हम तो गधे बन रहे हैं, वो भी धीरे धीरे, और ये कॉलेज हमको बना रहा है गधा, एक नंबर वाला। तो तुम एग्जाम देना छोड़ दो। एग्जाम दे के क्या हो? अरे एग्जाम नहीं दोगे तो डिग्री कैसे मिलेगी? और डिग्री नहीं मिली तो? डिग्री नहीं मिली तो नौकरी। करेक्ट, सबको बस नौकरी करनी है। तुम्हें नहीं करनी है? ऐसे नहीं करनी है कि कुछ सीखा नहीं, कुछ जाना नहीं, बस एक डिग्री ले ली और जैसे ही कॉलेज में कोई कंपनी घुसी, जॉब ले ली और फिर वो कंपनी आपको उठा के ले जाकर 3 महीने ट्रेनिंग देकर अपना काम सिखा देगी और उसके बाद आप ताउम्र बैठकर वही काम करते रहेंगे गधे की तरह, जैसे कि आप उसी काम के लिए पैदा हुए हैं। तो ऐसे नहीं करना। तो फिर कैसे करनी है? बोलो। पता नहीं, ये सब कुछ सारा की वजह से हो रहा है यार। कमान दीदी, हमारी लाइफ में सब कुछ सारा कारण नहीं होता है। तो फिर रीजन क्या है? बताया तो आपको। क्या कि कॉलेज तुम्हें गधा बना रहा है? हाँ। अलग, डोंट टॉक लाइक दिस, तुम टॉपर थे यार। दीदी हम थे स्कूल में, तब हम इंटेलिजेंट भी थे और शार्प भी थे, क्योंकि वहां पढ़ने में हमको मजा आता था, रियल लाइफ एप्लीकेशन नजर आते थे हमें। ये है ना, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और ये ग्रेविटेशन, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यहाँ ना टीचर्स पढ़ाने के लिए मोटिवेटेड है और ना ही बच्चे पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि डिपार्टमेंट कोई भी हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, जॉब आपको कोडिंग वाली ही करनी है, तो बस डिग्री कंप्लीट कर लो और लग जाओ गधे की तरह। वो हमें नहीं करना देना। तुम्हें पता है ना हमारी सैलरी कितनी है? 23,000। नहीं सुनो हमारी बात, जिसमें से 3,000 हम तुम्हें भेजते हैं और 10,000 भेजते हैं मम्मी पापा को, जिसमें वो घर का खर्चा चलाते हैं, पापा की मेडिसिन और बाकी चीज़ें करते हैं। पुराना कर्जा चुकाने का पैसा नहीं बचता है हमारे पास। हमें देखो, हम भी तो इसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं ना। और जो बात तुम कह रहे हो वो पूरी तरह गलत नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन तुम्हें अगर जॉब मिल जाएगी तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी भाई। दीदी ये रही आपकी मसाला या हमारी डार्जिलिंग,
और बेटा ये तुम्हारे ब्लैक टी विदाउट शुगर विदाउट टेस्ट। इसको क्यों लेकर आई है? टॉपिक मत बदलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? हम सिर्फ दिक्कत तुमको। रात को कॉल आया था तुम्हारा, लखनऊ से भागे भागे आए हैं, अकेले आ जाते क्या? तुम लखनऊ में क्या कर रहे थे? हम तो इलाहाबाद में थे। इलाहाबाद से लखनऊ क्या दूर? दीदी फोन आया, झट से पहुंचे लखनऊ और फट से इनको लेके आ गए। तो झट से लेके इनको निकलो लखनऊ और फट से पहुंचो इलाहाबाद। देखा क्या बोले थे, कैसे कर रहा है? और चाय पी ले, भगा कर रहे हो बे? जिनके पास लोगों के सवालों के जवाब नहीं होते ना तुषार, वो लोगों को ऐसे ही भगाते हैं। दीदी हमने आपको अपना जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? अलग एग्जाम नहीं देना है, डिग्री नहीं चाहिए, नौकरी नहीं करनी। हाँ, नहीं करनी नौकरी तो क्या करोगे? ये चाय वाला बनोगे? चलो तुषार चलो। गुड आफ्टरनून मैम। मैम ये बाहर बोर्ड पे आप फैकल्टी हायर कर रहे हैं ऐसा लिखा हुआ है। मैम मैं किस सब्जेक्ट के लिए? मैम किस सब्जेक्ट के लिए? फिजिक्स।
फिजिक्स। अच्छा उसने बताया तो था मुझे। मैम क्या हम इंटरव्यू दे सकते हैं? मैम हमने अप्लाई नहीं किया यहाँ पर पहले, हम यही रहते हैं तो गुजर रहे थे यहाँ से, तो हमने देखा वो बोर्ड, तो अगर आप प्लीज हमें मौका दें एक बार। हाँ हाँ हम जा सकते हैं। थैंक यू मैम। Yes. Good morning. Afternoon, sir. Afternoon. May I come in, sir? Come in. Sir, I am here for the interview. Physics faculty, sir. Interviews are, I think, done. No, sir. I didn't apply earlier. I just got to know about it. It's like a walking thing, sir. Okay. Come, have a seat. Thank you, sir. क्या नाम है आपका? अलक, अलक पांडे। So जैसा कि हम देख पा रहे हैं, डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स तो आप लाए नहीं है। No, sir. So would you mind telling me about your background? कहाँ से हैं आप? इलाहाबाद से, sir. Schooling वहीं से? जी। College? यही कानपुर से, HBTI। ओह, विच ब्रांच? मैकेनिकल। विच ईयर? नेक्स्ट ईयर सर। सॉरी? नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे सर। आप अभी कॉलेज में? यस सर। क्या नाम बताया था आपने अपना? जी अलक, अलक पांडे। मिस्टर अलक, वी आर ए वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, हम किसी कॉलेज के बच्चे को यहाँ पढ़ाने नहीं दे सकते। आई अंडरस्टैंड सर, बट पढ़ाने का एज से क्या लेना देना? एक्सपीरियंस से तो है, पहले कभी पढ़ाया आपने? Okay. I'm happy कि आप जैसे यंग लोग भी टीचिंग में आना चाहते हैं। पढ़ाया सर बचपन से, जब फिफ्थ में थे तो फोर्थ वालों को, नाइन्थ में आए तो एट्थ वालों को, ट्वेल्थ में गए सर तो इलेवेंथ वालों को, हमेशा से पढ़ा रहे हैं सर। इंस्टीट्यूट में पढ़ाना अलग बात होती है। थैंक्स फॉर कमिंग सर। सर 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 आपको एक्सपीरियंस टीचर तो बहुत मिल जाएंगे, पर उनमें वो पैशन नहीं होगा। I really want to do this, sir. Sir, वैसे भी हर आदमी कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है, हम आप कैसे कर लेंगे सर? क्या दिक्कत है सर? प्लीज सर। देखिए मिस्टर, गुड आफ्टरनून, क्या नाम बताया था आपने? अलग, अलग पांडे। हर काम को करने का ना एक तरीका होता है। बाइक चलाने से पहले साइकिल चलानी सीखनी पड़ती है, संतुलन बनता है ना तभी तो। आप कहीं ट्यूशन व्यूशन पढ़ाइए, फिर किसी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में जाइए, फिर आइएगा हमारे पास, फिर देखते हैं। पर सर हमारे पास ना तो कभी बाइक थी और ना ही कभी साइकिल, पर सर दोनों पर संतुलन कैसे बनता है, दोनों चलते कैसे हैं सर, उनमें चलते समय कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है सर, चाहे वो आपका ब्रेक का फ्रिक्शन हो, हैंडल का टॉर्क हो, चाहे पहिए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर पूरी की पूरी फिजिक्स पता है सर हमें। सर प्लीज एक चांस देके तो देखिए सर, एक मौका सर, सर प्लीज सर, इट्स रिक्वेस्ट सर, प्लीज सर। First question, is it easier to push an object or pull an object? Is it easier to push an object or pull it? Sir, next question, the working of the quartz crystal in the watch is based on which effect? Next, the value of which quantity remains same in all systems of units? Next, what is the escape velocity from Earth?
Next, how do we measure the temperature of the sun? Next, an archer pulls back 0.75 meter on a bow, which has a stiffness of 200 newton per meter. The arrow weighs 50 grams. What is the velocity of the arrow immediately after release? Next, what converts AC into DC? Next, why does the sky appear black from the moon? Next, can light bend around the corners? And the last, which scientist accidentally discovered the magnetic effect of current? अभी आपको पढ़ने की जरूरत है, पढ़ाने की बाद में सोचिएगा. एंड आई होप यू वुडंट से हमने आपको मौका नहीं दिया. इट डिपेंड सर. एक्सक्यूज मी, वेदर इट्स इजियर टू पुश एन ऑब्जेक्ट और पुल इट, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द पर्सन. इफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द पर्सन, then a component of force applied to push it adds to its weight and increases the friction. Hence, it's easier to pull it. But if the object is bigger than the person, like an Almira and you or me, then it's easier to push it. Your next question. The working of the quartz crystal in a watch is based on which effect? Piezoelectric effect. Next. The value of which quantity remains the same in all systems of unit? Specific gravity. Next. What is the escape velocity from Earth? 11.186 km per second. Next, pyrometer. The instrument used to measure the temperature of the sun. Next, the archer question. Under root K by M multiplied by X. The answer is 47.4 meter per second. Next, rectifier converts AC into DC. Next, the sky appears black from the moon because of lack of atmosphere. Next, can light bend around the corners? Yes, of course. Light has dual nature. It can bend like any other wave. This phenomenon is called diffraction. And the last one, Hans Christian Oersted. Pardon my pronunciation, sir. Oersted, the famous scientist who accidentally showed the magnetic effect of electric current. But sir, हमें नहीं लगता कि ये accidentally हुआ होगा. ये तो बस एक कहानी है सर. क्योंकि ऐसी चीजें by chance नहीं होती. इनमें बरसों की मेहनत और रिसर्च होती है सर. Am I right, sir? Quite impressive. क्या नाम बताया था? अलक पांडे. तो अलक सर, कल आप 11 बजे आ जाइए, आपकी पहली क्लास लगवाते हैं. Congratulations. Thank you, sir. What are your classes? Congratulations, Mr. Alak. Congratulations. Thank you so much. Thank you. आपका नाम? चेतना. कल मिलते हैं आपसे. Yes. और सब बढ़िया? यहीं पड़े हुए हो? लखनऊ नहीं गए? आओ, दिन का दिन है, हम चले जाएंगे. तो रुक गए तो इलाहाबाद निकल जाते. यहाँ क्या कर रहे हो? और थक गए थे यार, दोनों भाई बहन चक्कर में साले कल रात से दौड़ रहे हैं. तो यार थोड़ा आराम कर लेंगे साले, कल सुबह आराम से निकल जाएंगे. तुमको बड़ा इतनी दिक्कत हो तो अभी चले जाते हैं. जा रहे हैं, जाए बताओ. अच्छा, ज्यादा नौटंकी मत दिखाओ, समझे? सुनो एक बात सुनो, हम कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं. कोचिंग? हाँ. कैट की? अरे पढ़ने नहीं, पढ़ाने. मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे अलग पांडे. टीचिंग करोगे? पगलाइट क्या बे? मन हो रहा पढ़ाने का यार, अच्छे से. और फिर दीदी की भी तो हेल्प हो जाएगी. कितना फाइनेंशियली बोझ है उनके ऊपर, अकेली पढ़ जाती है बेचारी, है कि नहीं? कॉलेज? उसकी चिंता तुम मत करो, वो हम सब देख लेंगे.
तुम बेटा चिंता करो इलाहाबाद निकलने की, समझे? इलाहाबाद की सुबह 5 बजे की बस है, पहली वाली, पकड़ के निकल लो। इधर लगाओ पंखा, हटाओ वहाँ से, लगाओ उधर। हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज मीट आर न्यू फैकल्टी, द यंग एंड टैलेंटेड फिजिक्स विजर्ड अलख पांडे। वेलकम सर, वेलकम सर। हाँ सर। आई सेड वेलकम। थैंक यू सर। कैरी ऑन प्लीज। एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम अलख पांडे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अलख पांडे। सो एज आई वॉज सेइंग, आई एम, यस, सो टुडे I'll teach you electrodynamics. Thermodynamics. Thermodynamics. We will start with the first law of. Sir, what about the zeroth law? That's what I mean. Zeroth law. What does the zeroth law state? Anyone? नहीं पता सर। ओके, द जीरोथ लॉ स्टेट इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर सेपरेटली थर्मल। सर, पीछे आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके, इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम विद गाना सर, विद अ थर्ड बॉडी सी। गाना सर। हाँ, या if two bodies A and B are separated in thermal equilibrium with body B at listen, if two bodies A and B in separately thermal equilibrium with third body C, then stop. Physics ki class hai ki singing class hai ye? सुन लिया तुम लोग यहां पे? इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी सी, देन ए एंड बी इज अलग। सर, फिजिक्स जानना और फिजिक्स पढ़ाना दो अलग अलग बातें हैं। फिजिक्स आप जानते हैं एंड यू हैव प्रूव्ड इट, लेकिन टीचिंग इज एन आर्ट विच यू नीड टू लर्न। एक्चुअली सर, वो इतनी बड़ी क्लास थी और ऊपर से बच्चे भी सर। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ इट वाज सैड, एंड एज ए रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट वी कैन नॉट लेट दैट हैपन। आई नो सर, आई विल इंप्रूव। आई नो एंड आई एम श्योर यू विल, लेकिन तब तक आप डाउट सेशंस में बैठिए, बच्चों के डाउट्स क्लियर कीजिए, और फिर जो टाइम बचता है आप स्टडी मटेरियल बनाइए। बट सर, उपाध्याय सर, त्रिपाठी सर, आइए आइए आइए, प्लीज बैठिए, इनसे मिलिए। ये है त्रिपाठी सर, हमारे फिजिक्स के एचओडी और हमारे स्टार टीचर। हेलो सर। यू मस्ट अटेंड हिज क्लास, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। अरे सर, वो अलका मैम ने अपनी कार फिर मेरे स्पॉट पे पार्क कर दी। टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम बात करते हैं ना उनसे। अरे सर, आप क्या बात करेंगे, तमीज है उनमें, एक सीनियर टीचर की रेस्पेक्ट होनी चाहिए कि नहीं। अरे आप बात करते हैं उनसे, लास्ट टाइम भी बात की थी। सर, कुछ डाउट्स थे वर्क पावर एनर्जी के न्यूमेरिकल्स में। सर, ये वाला और ये वाला,
क्लास अच्छी थी सर, हमको तो बहुत अच्छी लगी। बच्चे ही बदमाश हैं, पढ़ना ही नहीं उन्हें। आप टेंशन मत लो सर, जो जो सुन रहे थे ना सबको अच्छी लगी। हमारी माँ भी एक टीचर है, बहुत प्यारी टीचर, पर वो हमेशा हमसे कहती है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनका पढ़ने मन लगता है, उसको कोई भी पढ़ा सकता है, पर अच्छा टीचर वो होता है जो उनको पढ़ा सके जिनका पढ़ने में मन बिल्कुल न लगता हो, और आज हम वही नहीं कर पाए। हो जाएगा सर। अच्छा? हाँ सर, पक्का हो जाएगा। देखना, आप एक दिन ना बहुत अच्छे टीचर बनेंगे। ऐसा क्यों लगता है तुमको? क्योंकि क्योंकि सर आप बनना चाहते हैं। तुम अभी तक नहीं गए? भाई वो नींद जो है वो देर से खुली। कितनी देर से खुली? पूरा दिन सोते रहे क्या? हाँ, हर 5 मिनट पर इलाहाबाद के लिए बस है यहाँ से। दोपहर को जाते क्या इतनी गर्मी में? तो शाम को चले जाते। दारू पीक चलाते हैं लोग रात को भाई। अरे आज 10 बस निकलती है, 5:05 पहुँचती है, बाकी 5 तक खड्डे में गिरी मिलती है। शादी उदी करना है, बच्चों जो पैदा करने हैं, कल सुबह आराम से निकल जाएंगे। यही बात तुम कल भी कह रहे थे कि कल सुबह आराम से निकल जाएंगे। गए क्या तुम? साले यहाँ कुंडली मार के बैठ गए हमारे कमरे पे। एक नंबर का बेशरम आदमी हो। शांत रहो ना यार, आते साले एकदम काय 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 शुरू कर दिए। जा रहे हैं कल सुबह, अकेले बैठे ना अपने इस ताजमहल में। कोचिंग क्लास कैसी रही? नहीं बात करना है सीधे बोलो, नहीं बात करना है। साइलेंट ट्रीटमेंट काहे दे रहे हो हमको? खाना ना खाए? मूड गया अबे तुम्हारा, आज मजा नहीं आया क्या यार? तुषार, स्कूल में तुम्हारे फेवरेट टीचर कौन थे? स्कूल में तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन था? था नहीं थी माला मैम। hey, क्या मतलब वैसी वाली नहीं, ऐसी पढ़ाने वाली जिससे पढ़ने में बहुत मजा आता है। वैसे? हाँ वही सिन्हा सर, मैथ्स वाले में। क्यों? क्यों मतलब बढ़िया पढ़ाते थे, अच्छे आदमी थे, जो पढ़ाते समझ में आता था। वक्त नहीं था उनकी क्लास में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं मतलब ऐसा ऐसा कैसे, मतलब क्या पढ़ाते थे, कैसे पढ़ाते थे कि तुम पकते नहीं थे, तुमको सब समझ में आता था। बढ़िया बोलते थे और क्या, ढंग से पढ़ाते थे। कैसे, क्या ढंग था उनका? ढंग होता है, ढंग ढंग होता है और क्या होता है? अरे वही तो पूछ रहे हैं, ढंग ढंग मतलब ढंग क्या? अबे ढंग ढंग होता है क्या होता है बे? अरे यार वही तो पूछ रहे हैं, ढंग क्या ढंग यार? ऐसा कुछ लोग का होता है, समझ रहे हो तुम? अरे मतलब मिस्त्री समझ लो, मतलब ऐसे बोलते हैं सब ना, सुनने का मन करता है, ध्यान जो भटकता नहीं था, इसे एकाग्रता वही सब कुछ। नहीं मतलब ऐसा क्या खास, ऐसा मतलब ऐसा क्या खास जिससे एकाग्रता? अलग पांडे ऐसा है, हम रिसर्च करके बैठे नहीं इस पे, ना हम करनी है इस पे PhD। हम समझ नहीं, तुम का दिमाग खपा रहे हो अपना इतना? तुम साले बेस्ट टीचर अवार्ड जीतना है क्या? अवार्ड अवार्ड का तो पता नहीं यार, पर सबसे अच्छा टीचर बनना है, एकदम बेस्ट वाला।
पागल हो तुम ना, जो करते पूरा करते हो, नहीं बुझ जाते एकदम। बस चाय तो चाय, चल अगले साल दो क्या चाय हमको, इधर आ। यार अंकित। हाँ भाई। स्कूल में तुम्हारे फेवरेट टीचर कौन थे? स्कूल में? हाँ थी है चौधरी में। क्यों? गिस्सू नहीं थे यार वो, फटाफट टॉपिक खत्म करते थे और आगे बढ़ते थे। पाल मैम बहुत प्यार से पढ़ाती थी, बड़ी स्वीट सी थी, उनसे ना कोई भी डाउट पूछने में ना बिल्कुल डर नहीं लगता था। अच्छा। अरे कमर पकड़ लिया यार, बस से जाएंगे तो लग जाएगी, ये बार ठीक होता है फिर निकलते हैं आराम से। ठीक है बहुत नॉलेज था उनमें, मस्त पढ़ाते थे। जा बे पढ़ने तो एग्जाम है। हाँ पढ़ो तू। थैंक यू यार। एक दिन और भाई बस पढ़े रहो। पांडे अच्छे टीचर में ना कॉन्फिडेंस होता है, जब वो क्लास में घुसता ना गांड मार लेता है सबको। ए अफजल पेट से बाहर निकल। हा हा पेशेंस। पर टीचर ने पेशेंस ही नहीं होगा तो बच्चों समझाए कैसे? हाँ अबे पागल है क्या तू? तीन बार समझाया समझ नहीं आता है? मूड मती हट चुपचाप, कहीं सिलेक्शन नहीं होगा तेरा। हेलो। दो हफ्ते हो गए हैं, फोन नहीं कर सकते? अब आप ही उस दिन इतना नाराज होकर गई थी तो। हाँ तो मनाना चाहिए ना, दीदी हैं हम तुम्हारे। हाँ तो हमें समझ नहीं आया ना कि हम क्या कहें कैसे मनाएं। सॉरी हम तुम्हें बोलने को नहीं कह रहे हैं, हम तुम्हें बोल रहे हैं, उस दिन को ज्यादा ही गर्म हो गए थे ना। सॉरी। कैसे हो? क्यों आपके जासूस ने बताया नहीं कि कैसे हैं? छोड़कर तो गई हैं आप उसको यहाँ पर। अच्छा हम क्या किसी को छोड़ के जाएंगे वहां पे? हमें पता है कि आप तुषार को यहाँ क्यों छोड़कर गई हैं, पर आप टेंशन मत लीजिए, हम चाहे जितना भी परेशान हो लें कभी कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेंगे, हम पापा जैसे नहीं है। तुम्हारी कोचिंग क्लास कैसे चल रही है, मजा आ रहा है? ठीक ही है, बस जमीन पर लेट लेट कर कमर टूट गई है दीदी। अगर आप अपने गुप्तचर को बुलाने की मेहरबानी करें तो हम भी थोड़ा बिस्तर पे सो लें, आराम कर लें थोड़ा। ठीक है हम बोलेंगे उसे। चलो हम रखते हैं, हमारी ना कल ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है, उसकी तैयारी करनी है। आपकी पीपीटी बनी नहीं क्या अभी तक? आप तो हमेशा एडवांस में तैयारी कर लेती हैं। अरे पीपीटी तो कब की बन गई है, लेकिन उसको देख देख के थोड़ी ना बोलेंगे, वो तो उनके लिए, हमें तो सब याद होना चाहिए। आप प्रेजेंटेशन याद करती हैं?
हाँ और नहीं तो क्या, तभी तो स्मूथ डिलीवरी होगी प्रेजेंटेशन में। अरे हम प्रेजेंटेशन क्या, हम तो एक एक पॉज, एक एक जोक, कहाँ हंसना है, कहाँ जोर से बोलना है, कहाँ पे स्ट्रेस देना है, सबकी तैयारी करते हैं। इससे का परफॉर्मेंस वो तुम्हारे कॉलेज में होता है ना वो नुक्कड़ नाटक, जितनी मस्त तैयारी होगी प्रेजेंटेशन के टाइम उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा और देखने वालों को उतना ही मजा। एफर्टलेस परफॉर्मेंस के पीछे ना बहुत एफर्ट जाता है, समझे? अलग अलग। हाँ दीदी हम बाद में फोन करते हैं। हाँ गुड नाइट। क्या बात कर रहे हैं अलग सर आप, त्रिपाठी सर की क्लास हम आपको दे दें, आपने देखा ना उस दिन क्या कुछ हुआ। सर उस दिन हम रेडी नहीं थे सर। अरे सर आपसे किसने कह दिया कि अब आप रेडी हैं? हमने बहुत मेहनत की है सर, आप यकीन मानिए सर, आप एक क्लास देके तो देखिए सर। अलग सर ऐसे नहीं होता है, बच्चे त्रिपाठी सर से पढ़ने आए हैं, अगर हमने आपको वहां भेज दिया तो उस दिन जो हुआ उससे ज्यादा बुरा होगा। सर नहीं होगा। एंड आई कांट टेक दैट रिस्क। सर यकीन मानिए सर कुछ नहीं होगा, हम बहुत अच्छा पढ़ाएंगे सर। वैसे भी क्लास का टाइम हो गया कब का सर, त्रिपाठी सर का आता पता नहीं है सर। उपाध्याय सर प्लीज एक एक चांस सर, आप प्लीज बच्चों जैसे बात मत कीजिए। मॉर्निंग सर। हाँ सर कैबिन में है आपने? या सर ऑल वेल, आप बताएं कैसे? गुड टू हियर सर। हाँ हाँ सैटरडे को? हाँ सर कुछ नहीं कर रहे। उपाध्याय सर हाँ 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 अरे वाह वाह सर कांग्रेचुलेशन सर। हाँ हाँ क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। बच्चों आज क्या है ना कि त्रिपाठी सर थोड़ा बिजी हो गए थे तो उनकी जगह पढ़ाने के लिए आए हम। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सेंटर ऑफ मास। तो पहले काम करिए। नहीं भैया काम करने से पहले हम कुछ पूछ लें। पहले पीछे तक मेरी आवाज जा रही है? हमारी आवाज जा रही कि नहीं? नहीं तो बाद में वो बोलेंगे सर लाउडर। तो हम पढ़ने से पहले क्या करेंगे, करेंगे एक एक्सपेरिमेंट। सब लोग अपना अपना पेन निकालिए। ये देखो हमारे देश के भविष्य जुट गए भाई लिखने में। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान और विज्ञान मतलब एक्सपेरिमेंट, खोज। तो खोजी बनिए। क्या बनिए? हाँ लिखिए नहीं, रट्टू मत बनिए। सबसे पहले अपना पेन निकालिए, आप लोगों ने हाथ में लीजिए उसको। अपने पेन को हमें अपने इस उंगली पर बैलेंस करना है। करके दिखाइए फटाफट 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 करिए करिए जल्दी जल्दी। ओहो ये देखिए इनका प्लेन कहाँ क्रैश हो रहा है। तुम क्या अटलांटिक महासागर में आ गई? पेन गिर गया आपका? अरे देखिए देखिए क्या, अरे अरे ये क्या बैलेंस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक काम करिए अब आप लोग, अब दोनों जो आपके हाथ है लेफ्ट राइट सबके पास दोनों हाथ है ना, तो उसकी एक एक उंगली पर आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। ऐसे 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 करिए, लाते जाइए लाते जाइए लाते जाइए लाते जाइए, धीरे धीरे हौले हौले मिलाइए। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब देखिए किस वाली उंगली पर ये बैलेंस हो पा रहा है, ठीक से करिए। जब तक ये बैलेंस ना हो जाए तब तक कोशिश करते रहिए। हुआ क्या? क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये जो पॉइंट है ना मेरे बच्चों, जहां पर ये पेन परफेक्टली बैलेंस कर रहा है, इसे ही कहते हैं सेंटर ऑफ मास। करेक्ट, द पॉइंट अराउंड विच द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्प्रेड इवनली। करेक्ट, समझ में आया? अच्छा एक मजेदार बात बताऊं, ये जरूरी नहीं कि आप दोनों सिरों से इस चीज को शुरू करें,
तभी जाकर आप वहां पहुंचेंगे। आप कहीं से भी शुरू करेंगे, पहुंचेंगे आप जाकर सेंटर ऑफ मास पे, करेक्ट? अब जानना चाहते हो ये क्यों होता है? जानना चाहते हो कैसे होता है? सच में जानना है? पक्का सच में जानना है? तो लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ सेंटर ऑफ। सर मैं थोड़ी देर लेट क्या हो गया, ये मेरी क्लास में घुस गया। कल अगर मैं छुट्टी पर चला जाऊंगा तो ये साला बोलेगा मुझे एचओडी बना दो। मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? सॉरी सर हमारा वो कोई। अरे चुप, तुमसे तो हम बात ही नहीं कर रहे। उपाध्याय सर इसे अभी फायर कीजिए आप। त्रिपाठी सर प्लीज काम डाउन। सर आप इसे अभी फायर कीजिए वरना हम इंस्टीट्यूट छोड़कर चले जाएंगे, सोच लीजिएगा आप। सर रुकिए, त्रिपाठी सर। सॉरी सर हमसे गलती हो गई। अलग सर, गलती आपसे यहां नहीं हुई है, वहां हो गई क्लास में। आपने कुछ ज्यादा ही अच्छा पढ़ा दिया जी। अब त्रिपाठी सर ना सिर्फ आपसे नाराज हैं बट ही इज जेलस एज वेल। कोई नहीं सर, आई विल मैनेज। बहुत सारे पेरेंट्स ने त्रिपाठी सर के नाम से बच्चों का एडमिशन करवाया है। आई कैनॉट लूज हिम, सो यू विल हैव टू लीव। सॉरी बट यू आर फायर्ड। अलग सर। सर ऐसा मत कहिए सर। आई नो आप एक दिन बहुत बड़े टीचर बनोगे बट नॉट हियर। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। अरे आ गए। चलो गुरु अब हम चलते हैं, तुम आराम से पढ़ो पढ़ाओ, खुश रहो, सदा सुहागन रहो, ठीक है? चलते। कल चले जाना यार प्लीज। दुनिया बहुत जालिम है मेरे दोस्त। टैलेंट का साला यहां कोई कदर ही नहीं। यहां नहीं तो कहीं और सही, चमकना तुमको है दोस्त। बच्चे बड़े खुश थे यार क्लास में, एकदम उठ के चेहरे एकदम खिल गए थे। साला कल से फिर उनको उसी त्रिपाठी को झेलना पड़ेगा। काहे ये सब सोच रहे हो यार तुम? हाँ तुम्हारे आने पर जो त्रिपाठी के हत्थे चढ़े थे ना, आगे करेंगे हमारे। तुम फालतू सोचो मत, चिंता होता मत करो। कैसे चिंता नहीं करें भाई, उनके फ्यूचर का सवाल है। एक बार जो फाउंडेशन हिल गया ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चे आगे चल के। काश यार उनके लिए कुछ कर पाते। क्या कर तो सकते हो तुम कुछ? एक आइडिया आ रहा बोले, तुम साला अपना कोचिंग टाइम खोल लेते यार। अपना कुछ? हाँ और बच्चों तुम पे तो लाड़ आ रहा है तो आएंगे तुम्हारे पास न पढ़ने यार। फिर साले क्या ये क्या त्रिपाठी उपाध्याय साले दांत निपुर के देखते हो जाएंगे। हम बोल रहे साले चढ़ गई है। अबे नहीं यार अपना कोचिंग मतलब क्या हलवा होता है क्या खोलना? पता अपना कोचिंग खोलने में क्या लगता है? जगह लगता है, लोग लगते हैं, पैसा लगता है। जगह कर लेंगे समझे, रही बात पैसे की तो पैसा दीदी से मांग लो बाद में। ऑलरेडी उनसे इतना पैसा ले रखे हम जाए उनसे पैसा मांगने। दीदी हमको पैसा तो हम कोचिंग खोलना चाहते। पागल सर। ठीक है हमसे ले लो, हमसे ले सकते हो। तुमसे? हाँ क्या और कहाँ से लाओगे? इंटर्नशिप की थी अभी, मर्चेंट ने भी की, बचा के रखे बहुत पैसे चाहे पे। पहले महीने का भाड़ा निकलेगा उससे। तुम्हारे छात्र आएंगे धनराशि देंगे फीस आगे अपने आप दौड़ेगा। बोलो
बच्चे आएंगे? बच्चों के बाप आएंगे। तुम अनुमान हो यार अलग, पांडे अनुमान हो तुम। तुम्हें अपनी शक्तियों का एहसास नहीं है क्या? चलो पब्लिसिटी शुरू करते हैं। अरे ये उससे भी कड़क है। कड़क ही नहीं, तड़क भड़क है। बस सुनते ही मजा आएगा, आपका रोम रोम खिल जाएगा। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। अरे सुनाइए, हम सुन रहे हैं, मन ही मन में म्यूजिकल ख्वाब बुन रहे हैं। तो सीधा मुद्दे पर आता हूँ और आप सबको ये बतलाता हूँ कि वो, अरे वो आ रहे हैं, अरे वो आ रहे हैं। हम सबके प्यारे राज दुलारे, आपकी आंखों के तारे, इन बच्चों के सहारे जो फिरते थे मारे मारे। फिजिक्स के गुरु, फिजिक्स के एक्सपर्ट, इन बच्चों को दिलाने इनका हक। हियर इज मिस्टर आलम। हेलो बच्चों, बढ़िया एकदम। तो बच्चों, हम आए हैं आपके लिए यानी कि अलग पांडे लेकर आपकी खुद की अपनी कोचिंग क्लास, यानी कि अलग पांडे की क्लास, यानी कि अलग पांडे की क्लास। एक्सक्यूज मी पाजी, बट एक्चुअली वेयर इज द कोचिंग क्लास इज द सर सर हियर हियर ओनली, नॉट इन रोड। बस 10 कदम आगे बढ़ाइए, सी 544 आइए और लगाइए सक्सेस की ग्लास अलग पांडे की, अलग पांडे की, अलग पांडे की। आपको मालूम है आपकी इस हरकत की वजह से हम पुलिस को भी बुला सकते थे? सर अपने ब्रांड की पब्लिसिटी करने पे अगर पुलिस किसी को अंदर करती है तो सबसे पहले तो आपको अंदर करना चाहिए। पब्लिसिटी करने के लिए आपको यही जगह मिली थी, हमारे इंस्टीट्यूट के एकदम सामने? आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि हमारे स्टूडेंट्स को हथियाना चाहते थे आप? सर हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे और नहीं हमारा ऐसा कोई इरादा है। हाँ, उनको अपने कोचिंग के बारे में जरूर बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, बाकी आना ना आना उनकी अपनी चॉइस है, उनका अपना डिसीजन। इट्स देयर फ्री विल सर। फ्री विल, चॉइस तो उनकी है। अटेंशन स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप लोगों ने अलग सर की फिजिक्स क्लासेस के बारे में सुना बाहर? यस सर। इट्स अबाउट द सेम, आप लोगों में से जो भी अलग सर की फिजिक्स क्लासेस अटेंड करने जाएगा उसे हमारी मैथ्स और केमिस्ट्री क्लासेस से बाहर कर दिया जाएगा। सो चॉइस इज योर्स नाउ। Free will, sir. Hello.
अब क्या करना है? करना क्या है, मैथ्स और केमिस्ट्री के टीचर हम ला नहीं सकते और उसके बिना बच्चे अब आ नहीं सकते, बंद करना होगा ये। ओनर से बात की है तुम? बोला टोकन वापस नहीं करेगा। सॉरी भाई यार, हमारी वजह से। अब इसमें तुम्हारा क्या? बात कर लो यार दीदी, सुबह 4 बजे हमको फोन कर चुकी हैं। शिवांगी? हाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर, बस देखने आए हैं, जगह थोड़ी छोटी नहीं है। खाली चेयर्स हैं, 5 या 50 क्या फर्क पड़ता है? अगर हम 10-20 बच्चे होते तो उपाध्याय सर शायद हमें निकाल भी देते, पर बैठो बैठो बैठो। दीदी, आपने उस दिन हमसे पूछा था ना कि क्या हम चाय वाला बनेंगे? चाय वाला नहीं दीदी, हम फिजिक्स वाला बनेंगे, फिजिक्स वाला।